हमने पढ़ा था अपन इंडियन फिजियोग्राफी को तीन पार्ट में स्टडी करेंगे, एक हिमालयन जोन या पर्वतीय क्षेत्र, उत्तरी भारत के पर्वतीय क्षेत्र, एक डेक्कन प्लेटू और एक अपन प्लेन्स, उत्तरी प्लेन, उत्तरी भारत के उत्तरी मैदान। ठीक है, दो पार्ट अपने कंप्लीट हो चुके हैं, तीसरा पार्ट है भारत के उत्तरी मैदान। तो राजस्थान का मैदान, इसको अपन चार पार्ट में स्टडी करेंगे। राजस्थान का मैदान, इसको अपन रेगिस्तान या लोनी वाला मैदान बोल सकते हैं। पंजाब हरियाणा का मैदान, इसको अपन सिंधु नदी सिस्टम का मैदान बोल सकते हैं, इंडस रिवर सिस्टम। उत्तरी पश्चिमी मैदान बोल सकते हैं, गंगा के मैदान और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा निर्मित मैदान। चार पार्ट में अपन ने इसको डिवाइड किया है। देखो कि कोई भी नदी का जो बेसिन है वो ऐसे ऐसे होता है, सबसे पहले जैसे नदी बेसिन है, ठीक है, फिर उस नदी का अपवाद क्षेत्र होता है, फिर मैदानी प्रवेश होता है, फिर वो जलोढ़ मृदा, फिर फसल प्रदेश, उसी से फिर नदी पे बांध बना के फिर नहर सिंचाई निकालते हैं, उसके फसल प्रदेश को बढ़ाने का काम किया जाता है। ठीक है, फिर अपन स्टडी कर लेते हैं अभी राजस्थान के मैदान की। तो राजस्थान का मैदान दोस्तों अपन ने कल पढ़ा था, ये अपना अरावली था, गुजरात के अहमदाबाद से लेके दिल्ली तक। इसके अधर अपन ने क्या पढ़ा था, सेंट्रल हाईलैंड, ठीक है, और इसके अंदर अपन ने जो पढ़ा था राजस्थानी बागड़। अब इधर इधर वाला जो पूरा एरिया है राजस्थान का, उसको अपन ने दो पार्ट में डिवाइड किया, किस बेसिस पे, 25 सेंटीमीटर लाइन, आइसो हाइट लाइन, सम वर्षा रेखा। इधर वाले एरिया में जिसमें 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है, इधर वाला एरिया जिसमें 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। जिस एरिया में ज़्यादा वर्षा होती है उसको अपन बोलते हैं राजस्थानी बांगड़, और इसको लूणी रिवर एवं उसकी जो सहायक रिवर हैं, जो सूकड़ी, जवाई, वो ड्रेन करती हैं। लूणी रिवर और उसकी सहायक नदियाँ वो ड्रेन करती हैं इसको, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद अपन बात करते हैं इधर वाले की, इसको अपन इसको थार मरुस्थल बोलते हैं, थार मरुस्थल। ये थार मरुस्थल गुजरात में भी फैला हुआ है और पाकिस्तान में भी फैला हुआ है, पाकिस्तान, राजस्थान, गुजरात में फैला हुआ है थार मरुस्थल, या इसको रेतीला मरुस्थल या इसको मरुस्थली भी बोलते हैं, ठीक है। ये थार मरुस्थल जो है यहाँ पे, ये बाकी जितने डेजर्ट हैं उन सब में इसकी सर्वाधिक जनसंख्या है, सर्वाधिक जैव विविधता है। वैसे ये मरुस्थल है लेकिन बाकी मरुस्थल के, अन्य मरुस्थल के कंपेयर में ये ज़्यादा है, ठीक है। तो मरुस्थल में इसकी सर्वाधिक जनसंख्या और सर्वाधिक जैव विविधता है। चलो अभी एक रीडिंग मार लेते हैं इसकी फटाक सी। अरावली पर्वत केंद्रीय उच्च भूमि को मेवाड़ पठार से अलग के मैदान में राजस्थान बांगड़ से अलग करने वाली संरचना है। अरावली का हमने आपको डायग्राम बना ये बता दिया, 25 सेंटीमीटर से वर्षा, सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र सांबर झील भारत में। इसी में जो राजस्थानी बांगड़ क्षेत्र है, ये राजस्थानी, ये 25 सेंटीमीटर सम लाइन, ये आपकी अरावली, इसी में राजस्थान की जो कैपिटल है जयपुर, इसी के पास ये सांबर झील है, ठीक है। तो ये सांबर झील खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। राजस्थानी बांगड़ में कृषि की दृष्टि से उर्वर भूमि को रोही कहते हैं। इस बांगड़ रीजन में जो भी एग्रीकल्चर लाइक फर्टाइल लैंड है उसको अपन रोही बोलेंगे। और थार मरुस्थल में गुजरात के कच्छ के रण में जो लूणी रिवर है, वो गुजरात का जो कच्छ का रण है, गल्फ ऑफ खंबात, वहाँ जाके ये खत्म हो जाती है, ठीक है, वहीं जाके। तो इसलिए इसको इनलैंड ड्रेनेज की रिवर भी इसको बोलते हैं, अंतः प्रवाह की नदी इसको बोलते हैं। उसके अलावा जो 25 सेंटीमीटर से जो वेस्ट की साइड में जो बच गई उसको अपन मरुस्थली बोलते हैं। यह राजस्थान गुजरात पश्चिम तक है, सर्वाधिक है, ठीक है। ये हो गया अपना जल संसाधन, यहाँ पे जल संसाधनों के प्रबंधन अगर किया जाए, यहाँ की जो मिट्टी है वो फर्टाइल है लेकिन पानी की कमी है, तो जल संसाधन जहाँ पे भी किया गया, जैसे इंदिरा गांधी नहर के द्वारा सिंचाई के साधनों का विकास किया गया है, तो कृषि के क्षेत्र से तो यहाँ पे मतलब काफ़ी अच्छी ये फर्टिलिटी है इस लैंड की, अगर इंदिरा गांधी नहर से जिस एरिया में पानी जाता है। खनिज संसाधनों की दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जो इंदिरा गांधी कैनाल सिस्टम है, विश्व का सबसे बड़ा नहरी तंत्र है ये। चलिए राजस्थान का मैदान पढ़ने के बाद अपन आगे चलते हैं। अब
सिंधु नदी का अपवाह क्षेत्र या पंजाब का मैदान? सिंधु नदी का अपवाह क्षेत्र या पंजाब का मैदान? ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले देखो, इंडस रिवर का अपन डिटेल में थोड़ा बाद में पढ़ते हैं, सबसे पहले सिंधु नदी देख लो। ये यहाँ पे तिब्बत का पठार है, ठीक है। तिब्बत के पठार में एक लेक है, मानसरोवर लेक। इस मानसरोवर लेक से ये निकलती है, ठीक है। सबसे पहले ट्रांस हिमालय का एक दर्रा है जराला, जो अपन ने कल पढ़ा था जराला, उससे ये एंटर करती है। फिर इंडिया के लेह डिस्ट्रिक्ट से ये निकलती है। फिर अपने कल पढ़ा था काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज और ये जास्कर रेंज। काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज, काराकोरम और लद्दाख रेंज के बीच से ये अपने, मैंने बताया आपको, श्योक रिवर आती है, ठीक है। ये इधर से आती है, श्योक रिवर, श्योक। और ये इंडस रिवर आपकी जा रही है, ठीक है। और ये जास्कर से, जास्कर जो माउंटेन रेंज है, इससे निकलेगी जास्कर रिवर, वो भी इसी की ट्रिब्यूटरी है। इसमें जाके ये आगे मिल जाती हैं कौन कौन सी, श्योक एंड जास्कर। फिर इसमें पाकिस्तान से रिवर आती है गिलगित रिवर, वो मिल जाती है। अफगानिस्तान से काबुल रिवर, वो आती है। फिर ये पाकिस्तान में इंटर कर जाती है और ये पाकिस्तान के पोटवार बेसिन से होती है, फाइनली अरेबियन सी कराची के आसपास, वहाँ जाके ये अरब सागर में मिल जाती है रिवर। फिर अपन ने पढ़ा काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, और जास्कर के नीचे ये ग्रेटर हिमालय की रेंज, ठीक है। और ग्रेटर हिमालय के नीचे ये पीर पंजाल की रेंज। तो ग्रेटर हिमालय और पीर पंजाल के बीच वाले एरिया को अपने क्या बोला था, MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, जिसको अपन कश्मीर की घाटी भी बोलते हैं। और कश्मीर की घाटी को झेलम घाटी बोलते हैं, क्योंकि इसमें झेलम की रिवर पास होती है। झेलम की रिवर, ये झेलम नदी, ये रही, ये अनंतनाग, ये वीरीनाग से इसका के पास से इसका ओरिजिन होता है। सबसे इंपॉर्टेंट सिटी जो कवर करती है अनंतनाग। फिर अनंतनाग के बाद में श्रीनगर, डल झील, फिर वुलर लेक, और फिर इसमें एक रिवर आके मिलती है, किशन गंगा रिवर, ठीक है। इसी किशन गंगा रिवर पे अपना तुलबुल प्रोजेक्ट है। तुलबुल प्रोजेक्ट है जिसको पाकिस्तान ने वर्ल्ड बैंक में, वो इंटरनेशनल लेवल पे चैलेंज कर रखा है, जिसमें उसका ऑब्जेक्शन है। वो क्यों है, वो अभी अपन बात करेंगे उसकी। फिर ये फाइनली आके मीरपुर और ये चिनाब रिवर में ये मिल जाती है, पाकिस्तान में जल एंटर हो जाती है, कुछ इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर भी बनाती है ये, और चिनाब रिवर में ये मिल जाती है। चलिए अब चिनाब रिवर पढ़ लेते हैं थोड़ी सी। ये चिनाब रिवर कल अपन ने पढ़ा था बारालाचला पास। बारालाचला पास कहाँ पे था, ग्रेटर हिमालय में था। तो उस बारालाचला के पास से, एक उसके नॉर्थ से एक उसके साउथ से, दो रिवर निकलती हैं, चंद्रा रिवर और भागा रिवर। ये दोनों मिलती हैं तांडी में। कहाँ पे मिलती हैं दोनों, तांडी में मिलती हैं। उसको अपन बोल देते हैं चंद्र भागा, या फिर उसको चिनाब रिवर भी नाम बोल देते हैं। और ये अखनूर में जाके ये पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। इसमें एक तवी तवी रिवर आके मिलती है, और झेलम मैंने अभी आपको बताया चिनाब में आके मिलती है, और चिनाब खुद जाके इंडस रिवर में मिल जाती है। ओके, चिनाब रिवर होगी अपनी। फिर अपन बात करते हैं चिनाब के बाद में रावी रिवर की। रावी रिवर की, तो रावी रिवर है देखो, एक पास है रोहतांग पास। रोहतांग पास, रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश में है। इसके ऊपर से, नॉर्थ से निकलती है रावी नदी और इसके साउथ से निकलती है ब्यास नदी। तो ये रावी नदी है, ये जम्मू कश्मीर में होके, जम्मू कश्मीर पंजाब में जाके फिर पीओके से होते हुए जाके चिनाब में मिल जाती है। ब्यास जो नदी है आपकी, वो एकमात्र ऐसी नदी है जो केवल इंडिया में ओरिजिन और इंडिया में ख़त्म, यह पाकिस्तान में एंटर नहीं करती है। फिर आती है सतलुज रिवर। सतलुज रिवर भी, ये तिब्बत का जो प्लेटू है उसके पास, जो रकास लेक है, मानसरोवर लेक के पास रकास लेक है, उससे इसका ओरिजिन होता है, और ये अपने इंडिया में एंटर करती है सतलुज रिवर। देखो सतलुज रिवर पढ़ते हैं, रकास लेक से एंटर करती है, सिपकिला दर्रा जो है ग्रेटर हिमालय में, उसके थ्रू इंडिया में एंटर करती है। फिर इसमें एक स्पीति, ग्रेटर हिमालय की से स्पीति और परीचू रिवर आती हैं, वो इसमें मिलती हैं। फिर ये पंजाब में, पंजाब में इसमें भाखड़ा नांगल बांध है, नाप्ता झाकरी बांध है। इसमें ब्यास रिवर जहाँ की मिलती है, इसमें वहाँ पे हरिके बैराज बना हुआ है। हरिके बैराज से ही, से इसके थोड़ी दूर यहाँ पे हरिके बैराज से अपन इंदिरा गांधी कैनाल निकल के राजस्थान में पानी की सप्लाई करती है। फिरोजपुर फाजिल्का से होते हुए चिनाब में जाके मिल जाती है, और ये सतलुज रिवर फाइनली जाके चिनाब में मिल जाती है, और चिनाब रिवर अपनी मेन इंडस रिवर में मिल जाती है। ये सारी की सारी यहाँ पे ये कराची के पास गिर जाती हैं।
चलो अब इंडस रिवर को याद कैसे करें, ये क्रम से पूछ लेते हैं नॉर्थ टू साउथ। तो देखो ये एक ट्रिक, आप इसको कैसे भी याद करो, इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, तीन चार बार बोलोगे याद हो जाएगा। इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। अब देखो इंडस से रिलेटेड जो पासेज है ना, इनसे रिलेटेड इंडस कौन से पास से एंटर करता है, जरला से। झेलम जो एम सिटी से निकलती है वीरीनाग के पास से। चिनाब का संबंध बारालाचला पास से है, तो चंद्रा और भागा दो रिवर निकलती हैं। फिर रावी और ब्यास का संबंध रोहतांग से, एक इसके नॉर्थ से एक इसके साउथ से, और सतलुज का संबंध सिपकिला से है। ठीक है, अब स्टेट वाइज पूछ लेते हैं, जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी रिवर हैं। तो जम्मू कश्मीर में ऊपर वाली चार हैं, इंडस, झेलम, चिनाब, रावी। हिमाचल प्रदेश में कौन से हैं, ऊपर वाली दोनों नहीं है, इंडस और झेलम, नीचे वाली चारों हैं, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, और प्लस एक टॉन्स रिवर होती है। टॉन्स रिवर है वो यमुना की ट्रिब्यूटरी है, टॉन्स रिवर। ठीक है, फिर पंजाब में कौन कौन सी रिवर है, पंजाब में चिनाब नहीं है, बाकी तीनों हैं, रावी, ब्यास और सतलुज। रावी, ब्यास और सतलुज प्लस गंगा रिवर है। ठीक है, 1960 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वर्ल्ड बैंक की मीडिएशन से, वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता से एक संधि हुई है। उस संधि के अकॉर्डिंग ऊपर वाली तीनों रिवर, नॉर्थ वाली तीनों रिवर, इंडस, झेलम और चिनाब, ये हैं पाकिस्तान की, इनका पानी पाकिस्तान यूज करेगा। और रावी, ब्यास और सतलुज रिवर हैं, इनका पानी इंडिया यूज करेगा। ठीक है, अब जो ये ऊपर वाली पाकिस्तान वाली रिवर है, ये इंडिया से होके गुजरती है, इसलिए इसका 20% पानी इंडिया यूज कर सकता है, 20%, 20% पानी। और रावी, ब्यास, सतलुज एक्सक्लूसिवली इंडिया की है। ठीक है, तो ये इंडस वाटर ट्रीटी हो गई अपनी। चलिए फिर ये देखो एक बार और देख लेते हैं इसको, ये अपनी इंडस रिवर, ये ऊपर वाली, ये इंडस रिवर, ये चिनाब, ये रावी, ये रावी, ये इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। ठीक है, इंडस और झेलम के बीच के जो यानी दो नदियों के बीच की जगह होती है, उसको अपन बोलते हैं दोआब। क्या बोलते हैं उसको, दोआब। अब सिंधु नदी और झेलम के बीच का जो है, उसको बोलते हैं सिंध सागर दोआब। ये सिंध सागर दोआब है, ये इन्हीं दोनों नदियों के नाम से बनेंगे, झेलम और चिनाब। झेलम और चिनाब के बोलेंगे छज दोआब, चिनाब और रावी के बीच को बोलेंगे रेचना दोआब, रावी और ब्यास को बोलेंगे बारी दोआब, और ब्यास और सतलुज के बोलेंगे बिष्ट दोआब। ठीक है, अब कई बार क्वेश्चन ऐसे आता है कि पंजनाद या पंजाब में कौन सी रिवर इंक्लूड नहीं है, तो ये छह रिवर हैं पंजाब में होंगी, पांच, तो जो इंडस रिवर है वो पंजाब में इंक्लूड नहीं होगी, बाकी पांचों पंजाब में इंक्लूड होंगी। अब लेकिन अभी अपन ने पढ़ा कि पंजाब में तो केवल रावी, ब्यास, सतलुज हैं, तो वो अपने इंडिया वाले पंजाब की बात करी अपन ने, पाकिस्तान में भी पंजाब है, वहां से झेलम और चिनाब रिवर उससे रिलेटेड है। तो ओवरऑल जो पंजाब है उससे पांचों रिवर, जो पुराना पंजाब था, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। अब चलो पंजाब का मैदान अपन इसकी थोड़ी सी स्टडी कर लेते हैं। ये जो सतलुज रिवर, इंडस रिवर सिस्टम है, इस पे जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनके नाम बता देते हैं थोड़े। भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट है, कौन सा प्रोजेक्ट, भाखड़ा नांगल, और नापता झाकरी, ये दोनों सतलुज पे हैं। ठीक है, पोंग डैम पे पोंग पोंग प्रोजेक्ट है, फिर है चामेरा प्रोजेक्ट है वो रावी रिवर पे है, और सलाल प्रोजेक्ट है वो चिनाब रिवर पे है, बगलीहार प्रोजेक्ट चिनाब रिवर पे है, दुलहस्ती प्रोजेक्ट चिनाब रिवर पे है, तुलबुल प्रोजेक्ट झेलम की ब्रांच है, किशन गंगा ट्रिब्यूटरी है उस पे है, और उरी प्रोजेक्ट है URI वो भी झेलम रिवर पे। ये प्रोजेक्ट्स आप नोट कर लें। फिर पंजाब का मैदान, पंजाब के मैदान का विस्तार भारत और पाकिस्तान में संबंध सिंधु नदी के अपवाह क्षेत्र से है। पांच नदियों के द्वारा निर्मित मैदान को पंजाब का मैदान कहते हैं। भारत में बारी और बिष्ट दोआब पंजाब के मैदान में है। नहरी सिंचाई का डेवलपमेंट हुआ, कृषि की दृष्टि से भारत का एक विकसित क्षेत्र है। यहाँ पे नवीन जलोढ़ या खादर को जो अपन बोलते हैं उसको बेट बोलते हैं, जबकि पर्वतीय मैदान में रील अपरदन के कारण निर्मित भूमि को अपन केओस बोलते हैं। ठीक है, रील अपरदन
बारिश के साथ जो नदियां बहती हैं तो अपने साथ मिट्टी बहा के ले जाती है, रेल अपरदन उसको बोलते हैं, वहां उसको बोलते हैं चौस। और खादर जो नदी की में जब फ्लड आता है तो इसके किनारे हर साल वो नई मिट्टी लेके आती है, उसको अपन बोलते हैं खादर। और जो उसका पुराना जो बाढ़ वाला क्षेत्र है जहाँ पहले कभी बाढ़ आती थी मिट्टी लाई हुई लेकिन अब नहीं आती, उसको अपन बोलते हैं भांगर। भांगर ठीक है, खादर और भांगर। चलो अपन इंडस रिवर सिस्टम पूरा हुआ, फिर अपन पढ़ते हैं गंगा नदी के प्रवाह का क्षेत्र।